सब कुछ जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन के नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक को समझाना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45 वचन 2 से। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45 वचन 2। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तेरा नाम लेकर जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कहती है, वह परमेश्वर अपने लोगों से कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। कहता है कि मैं तेरे आगे आगे चलूँगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। कहता है, हे मनुष्य की संतान, मेरी बातों को सुन। हमारा परमेश्वर सच में, मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सच में वह प्रेमी परमेश्वर है, जो हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए वह कहता है कि हे मनुष्य की संतान, सुनो, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। कहता है ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूँगा। कहता है कि तुम्हारे सामने, तुम्हारे मार्गों में कोई भी प्रकार की कठिनाइयाँ आएंगी, सारी कठिनाइयों को मैं दूर करूँगा। कहता है कि मैं पीतल के किवाड़ को तोड़ डालूँगा, लोहे के बेड़ियों को टुकड़ी टुकड़ी करूँगा। कोई भी तुम्हारे मार्ग में कोई भी प्रकार की रुकावट हो, कोई बाधाएं हो, कोई समस्या हो, कोई विपत्ति हो, कोई परेशानियाँ हो, कहता है मैं हर एक परेशानियों को मैं ढा दूँगा। कहता है हर प्रकार की विपत्तियों को मैं ढा दूंगा। कहता है कि तुम्हारे पाँव को रोकने वाले जितनी भी शक्तियाँ आएंगी, कहता है उन सारी बेड़ियाँ डालने वाली शक्तियों को मैं टुकड़े टुकड़े करूँगा। कहता है इतना ही नहीं, मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा। कहता है कि जो अंधकार में छुपा हुआ है और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ जो धन है, कहता है वह मैं तुझे दूंगा। वह धन कहाँ पे है? जो गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन है, कहता है कि वह धन मैं तुझे दूंगा, जिससे तू जानेगा कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ। कहता है कि मैं ऐसा धन दूंगा, वह जो गुप्त स्थानों में छुपाया गया है, वह स्वर्ग का धन है। मेरे प्रियो, जिस धन को ना तो कीड़ा और काई बिगाड़ते, ना ही चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, क्योंकि वचन कहती है कि जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की वचन कह रही है कि जिससे तू जान लेगा कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ। कहता है जिससे तू जान लेगा कि मैं अपने लोगों का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता हूँ। कहता है इसे तू जान लेगा, जब तू देखेगा कि मैं तेरे आगे आगे चलूँ, चलकर तेरे मार्गों को सीधा करूँ, तुझे हर विपत्ति, हर दुख, हर संकटों से बचा कर रखूँ, तुम्हारे जीवन में आने वाली हर विपत्तियों को और हर परेशानियों को दूर करके तुझे सही सलामत तुम्हें जीवन के मार्ग पे ले चलूँ, जब ऐसा काम तू मुझे देख लेगा, तब जान जाएगा कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और इस बात को भी जान जाएगा कि मैं तेरा नाम तुझे नाम लेकर बुलाने वाला ईश्वर हूँ। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर सच में प्रेमी परमेश्वर है। वह हमारे बारे में जानता है, वह जानता है कि हमारे सर पे कितना बाल है, क्योंकि वह कहता है तेरे सर के बाल गिने हुए हैं। वह हमारे बालों तक
को गिन कर रखता है, हमारे शरीर के हर अंगों को वो सुरक्षित रखता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जिस परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, वह परमेश्वर कोई साधारण नहीं, वह अगम अविनाशी वह विराट परमेश्वर है, जो हमारे हर एक पल पल की खबर रखता है, जो हमारे शरीर के अंदर जितनी घटी है और जितनी बड़ी है सब कुछ की तरफ ध्यान देता है। इसलिए मेरे प्रियो, आप यदि उस परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखोगे, उसके मार्गों पे चलोगे, तो सच में वो परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा और आपके जीवन की रक्षा करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर कहता है मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं तेरा छुड़ाने वाला, तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूँ। सच में हमारा परमेश्वर छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। जैसे आपने वचन में सुना, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आपके आगे आगे चलकर आपके मार्गों को सीधा करेगा और सदैव आपकी रक्षा करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, आइए मैं आज सुबह की प्रार्थना आप लोगों के लिए करता हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के दौरान परमेश्वर आपको पूरे दिन सुरक्षित रखेगा, भला चंगा करेगा, आपके प्राणों की रक्षा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, तू अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर जितने भी प्रार्थना के सुनने वाले हर एक के शरीर को स्पर्श कर की परमेश्वर, इन सबके शरीर के अंदर जो भी बाधा, बीमारी, बला, दुख, तकलीफ, रोग, दर्द, दुष्ट आत्मा सदा के लिए नष्ट कर, क्योंकि परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू दयालु, दया का सागर, प्रेम का सागर परमेश्वर है, तू दयावंत है, करुणा निधान, दया का सागर। प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपनी महिमा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा अपने हाथों को नीचे बढ़ा और हर एक के शरीर को शू और हर एक के जीवन में अद्भुत और अनोखा चमत्कार कर। हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता हूँ, क्योंकि हे परमेश्वर पूरी रात तू हरेक को संभाल कर रखा, हरेक को सुरक्षित रखा, बचा कर रखा, हरेक को अच्छी नींद दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तूने हरेक को नया दिन, नया सुबह दिया, नया जीवन दिया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आज का संपूर्ण जीवन हे परमेश्वर तेरे हाथ में सौंपते हैं। हे परमेश्वर, मैं आज के ये संपूर्ण जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं कि सबके जीवन में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि पूरे दिन ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में कोई दुख, तकलीफ, बीमारी, विपत्ति, कलेश, उपद्रव, कोई दुर्घटनाएं न होने पाए, हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। ओ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आज पूरे दिन इनके द्वारा कोई पाप, कोई अधर्म के काम न हो, हर एक पाप, हर एक गुनाहों से इन्हें बचा कर रख, ताकि ये सुरक्षित रहे। हे परमेश्वर, और इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में तू बहुतायत की आशीष दे, ताकि इनका घर, इनका परिवार तेरी आशीष के द्वारा फलवंत हो। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जिसके पास आज के दिन कोई रोजगार नहीं, प्रभु उनके रोजगार के ऊपर आशीष दे, उनकी ताकि उनके उनको अच्छा रोजगार मिलने पाए। जिसके जो नौकरी के तलाश में है मेरे परमेश्वर, उनके नौकरी के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनकी तलाश खत्म होने पाए। जिनके पास रोजगार है परमेश्वर, उनके रोजी रोजगार के ऊपर बढ़ोतरी और बरकत की आशीष दे, ताकि उनके रोजगार के अंदर बरकत हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर, जितने बीमार हैं उनके बीमारियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि उनको बीमारियों से छुटकारा दे। जिसके सर में दर्द हो, सर का दर्द, सर का चुभन नष्ट हो जाए, घबराहट, बेचैनियाँ निकल जाए, चक्कर आना बंद हो जाए, मूर्छे की बीमारी नष्ट होने पाए, मिर्गी की बीमारी निकल जाए, प्रवेशु के नाम से झटके आना बंद हो जाए, आँखों की तकलीफ, आँख की सारी तकलीफें निकल जाए, कान की हर एक बीमारियाँ निकल जाए, दाँत की हर एक बीमारी निकल जाए, गले की गिल्टियाँ, शरीर के किसी भी भाग में गिल्टी हो नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर सीने में दर्द हो, सीने का दर्द, पेट का दर्द, कमर का दर्द नष्ट हो जाए, रीढ़ की हड्डियों का दर्द निकल जाए, घुटने का दर्द निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, घुटने का दर्द, घुटने का चुभन नष्ट हो जाए, हर एक जोड़ों का दर्द निकल जाए, गठिया बात की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, हर प्रकार के साटिका की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी बिल्कुल नष्ट होने पाए, दवा की बीमारी, HIV, TB, कैंसर नष्ट हो जाए, कितनी भी पुरानी जख्म हो सूख जाए, फोड़ी फुंसियाँ नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, जो जिसका लीवर काम नहीं करता शंगा हो जाए, जिसकी आँत में कोई प्रॉब्लम हो तो आँत का प्रॉब्लम दूर होने पाए, प्रभु यीशु के नाम से, जिसकी किडनी खराब हो चंगी हो जाए, गैस की बीमारी हो तो गैस की बीमारी निकल जाए, शरीर के किसी भी भाग में सूजन हो तो सूजन नष्ट हो जाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी, फाइलेरिया, थायराइड की बीमारी नष्ट हो जाए,
प्रभु यीशु के नाम से जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूँ। ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, पथली शरीर के किसी भी भाग में पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया नष्ट हो जाए, उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग निकल जाए, खाज खुजुलियाँ नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफ़ेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया स्नोफीलिया की बीमारी निकल जाए, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से आगे आता हूँ। दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा निकल जाए, जिसके पास संतान नहीं है परमपिता परमेश्वर उसके गर्भ में संतान दे, हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले। हे मेरे महान परमेश्वर, इनके शरीर इनके घर इनके परिवार के ऊपर कोई प्रकार के तंत्र मंत्र जाद उठोना कोई भी कारगरी के बंधन है नष्ट होने पाए। हम प्रार्थना करते परमेश्वर हर के जीवन में तू अद्भुत अनोखा आशीष दे, ताकि हर एक का जीवन तेरे आशीष के द्वारा फलवंत होने पाए। हे मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते अपने देश के हर एक नागरिक के लिए कि हर एक नागरिक के ऊपर तू आशीष दे, ताकि जो जहां भी रहे स्वतंत्र भला चंगा रहे। हे परमेश्वर, अपने भारत देश के लिए, भारत देश के प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, मंत्री के लिए, हे परमेश्वर हर मंत्री हर नेताओं के लिए, हर शासन हर प्रशासन के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के ऊपर आशीष दे, उनके घर परिवार बीवी बच्चों के जीवन में आशीष दे, ताकि वह स्वतंत्र भले चंगे रहे। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक के जीवन में तू अनुग्रह कर, ताकि हर एक को ज्ञान और बुद्धि मिले, ताकि सही ढंग से अपने देश अपने नगर की इस जिले की सेवा और इस लोगों की सेवा अच्छे ढंग से करने पाए और देश को अच्छे ढंग से चलाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते परमेश्वर शैतान की हर युक्तियों से बचा मेरे प्रभु, जितने भी बॉर्डर पे नौजवान है परमेश्वर देश की सेवा के लिए लगे पिता, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर उनके पास अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उनकी मदद उनकी सहायता कर, ताकि स्वर्गदूत उनकी रक्षा करे, उन्हें स्वतंत्र बचा कर रखे। मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले परमेश्वर उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, अपने हर एक लक्ष्य को पूरा करे, जीवन में सदैव तेरे मार्ग पे चलते रहे। मेरे महान परमेश्वर, ऐसा होने दे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में जो भी जरूरतें परमेश्वर यीशु मसीह तेरे नाम से पूरा हो जाए, जीवन की हर मनोकामनाएं पूरी होने पाए। हे परमेश्वर, जीवन की हर समस्याएं दूर हो जाए, गरीबी के श्राप से इन्हें छुटकारा दे, हर प्रकार के कर्ज के बोझ से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, यदि इनके सर पे कर्ज का बोझ है तो कर्ज से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं इनके घर का भंडार सदैव भरा रहने पाए। हे परमेश्वर, इनके घर के अंदर जो भी चीज की घटी हो तो परमेश्वर उसे भर दे, हर एक जरूरतों को पूरा होने दे। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, जिसके पास चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो जाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में जो भी समस्या है सारी समस्याओं से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, तेरा साथ इनके साथ हो, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, तेरा अनुग्रह शांति इनके जीवन में प्रकट हो। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इन्हें आत्मिक ज्ञान आत्मिक बुद्धि से भर दे, आत्मिक स्वभाव आत्मिक चरित्र से भर दे, हर एक बुराई को से घृणा हो जाए, भलाई के मार्ग पर चले, हर एक गंदी और हे परमेश्वर हर एक गंदी आदतों से छुटकारा मिले, हर एक बुरी आदतों से छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, सदैव तेरे मार्ग पे चले, तेरे वचनों को सुने और ग्रहण करे, उसको अपनाए, तेरे मार्ग पे चलने पाए, शैतान के हर बंधन से इन्हें छुटकारा मिले, हर शैतान के चाल चलन से इन्हें छुटकारा मिले। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते तेरी उपस्थिति तेरी संगति सदैव इनके साथ बनी रहे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस मसीह तेरे नाम से इनके लिए तेरी आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी।